रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम, मैं हूं तारिक महमूद। जिना ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ प्रोफेसर स्टैनले लिखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल देते हैं, और ऐसे लोग और कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं, और ऐसे लोग तो शायद इक्का दुक्का होते हैं कि जो नई मुमलिकत बना देते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तीनों काम कर दिखाए। आज 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का यौम पैदाइश। कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, और आज जो पाकिस्तान है उसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, क्यों आज 71 बरस गुजरने के बावजूद भी हम वो पाकिस्तान नहीं बना सके जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था और जिसकी जद्दोजहद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने की थी। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ आज दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनते, पाकिस्तान को टूटते और पाकिस्तान को बिगड़ते हुए देखा। इन दोनों शख्सियात से कायद के पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में क्या ऐसी गलतियां थीं जिसकी वजह से हमारे इदारे ठीक नहीं हो सके, क्या ऐसी गलतियां थीं जिसकी वजह से एक इस्लामी फलाही रियासत जिसके लिए जद्दोजहद की थी, जिसका ख्वाब देखा गया था, वो कायम नहीं हो सकी, और आज अगर हम जवाल का शिकार हैं तो उसके असबाब, उसकी वजूहात क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, 24 से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं, मुतअद्दिद जामियात में दर्स व तदरीस के फराइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। हमारी खुशनसीबी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट मोहतरम जनाब रुएदाद खान साहब, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना सिर्फ उन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी को परवान चढ़ते देखा, इसी ब्यूरोक्रेसी को बिगड़ते हुए देखा, इसी ब्यूरोक्रेसी को अच्छे और बुरे काम करते हुए देखा। दोनों शख्सियात से हम कायदे आज़म के पाकिस्तान आज के दिन की मुनासबत के हिसाब से गुफ्तगू करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रुएदाद साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ऐसी वजह है कि वो पाकिस्तान नहीं बन सका जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था और जिसकी जद्दोजहद मोहम्मद अली जिना ने की थी। रुएदाद खान साहब, अगर ये कहूँ मैं आपको कि वो पाकिस्तान जो जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए कायदे आज़म ने जद्दोजहद की थी, वैसा पाकिस्तान क्यों ना बन सका, तो बुनियादी असबाब क्या होंगे, अगर मुख्तसरन मुझे आप ये बता दें। कायदे आज़म ने कहा था, पहली दफा उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था अमेरिका के लिए, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी हुई है, वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक होगा, पाकिस्तान सॉवरन होगा, पाकिस्तान इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लाम के इगेलिटेरियन प्रिंसिपल के मुताबिक बनेगा, और पाकिस्तान इस्लाम के आइडियल्स के मुताबिक चलेगा जी, पाकिस्तान सावरन होगा, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होगा जी। ये कायद ने अपनी रेडियो ब्रॉडकास्ट में कहा है जी। पाकिस्तान सावरन कैसे हो सकता है, पाकिस्तान तो मकरूज है, मकरूज मुल्क सावरन कैसे हो सकता है, फैसले तो किसी और जगह होते हैं, पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ता है, नंबर वन। नंबर दो, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है जो कायद का ख्वाब था। ताकत का सर चश्मा जो है वो पार्लियामान नहीं है, ताकत का सर चश्मा कहीं और है। कायद ने कहा था इस्लाम के इगेलिटेरियन प्रिंसिपल्स के मुताबिक पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान के इस्लाम के इगेलिटेरियन प्रिंसिपल्स तो नजर नहीं आते हैं। मैंने कायद को लाहौर में देखा, मिंटो पार्क में, मैंने कायद को अलीगढ़ में देखा, स्टूडेंट के साथ वो मिलने के लिए आया करते थे, उनका ख्वाब कुछ और था। आज अब अगर कायद वापस आज किसी तरीके से वापस आ जाए, वो तो पहचान नहीं सकेगा कि ये मेरा पाकिस्तान तो नहीं है,
ये तो कुछ और चीज है, ये तो कुछ और चीज है। ठीक 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 रोहिदास साहब, प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब, रोहिदास साहब फरमा रहे हैं कि कायद अगर आ जाते हैं तो वो पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये वो मेरा पाकिस्तान है, ये तो कुछ और चीज है। क्या असबाब हैं आपकी नजर में कि कायद का पाकिस्तान नहीं बन सका? सबसे बड़ा और मरकजी अहमियत का जो सबब है वो है कि हमारा जो साहिब इक्तदार तबका है, अच्छा। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पहले वजीर आजम लियाकत अली खां बने। लियाकत अली खां अमरीका के दौरे पे गए, अमरीकी हुकूमत की दावत पे, लेकिन वहाँ उन्होंने अमरीका की शरायत मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बरमला कहा और बार बार कहा कि इस वक्त दुनिया दो कैंप्स में मुनकसिम है, सोशलिस्ट कैंप और कैपिटलिस्ट कैंप, पाकिस्तान इन दोनों में से किसी एक का भी कैंप फॉलोअर नहीं है, ठीक, हमारा अपना तीसरा रास्ता है। इस रास्ते को उन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म का नाम दिया। नतीजा ये कि ये नई इस्तिलाह थी वहाँ की लोगों के लिए, ये तीसरा जो रास्ता है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कैंप्स को छोड़ के अपना तीसरा रास्ता जो है। तो जहाँ भी वो गए उनसे सवालात हुए कि इसका मतलब क्या है इस्लामिक सोशलिज्म का, वो बार बार बताते रहे। वहाँ उन्होंने अमेरिका की शरायत मानने से इनकार कर दिया, हत्ता कि अमेरिका ने कोरिया में फौज भेजने की जो दरख्वास्त की उसे भी रद्द कर दिया। और वहाँ से वापस आकर वो दोनों मशरकी ममालिक की हकूमतों से और क़यादतों से रबते कायम करने शुरू किए ताकि वो तीसरा आज़ादी का जो रास्ता उसे रोशन किया जाए, उस रास्ते को, और उस पे सफ़र का आगाज़ किया जाए। लेकिन हुआ ये कि उन्हें यही हमारे इस शहर रावलपिंडी के कंपनी बाग में, जो अब लियाकत बाग कहलाता है, शहीद कर दिया गया। अब विकीलीक्स ने ये साजिश बेनकाब कर दी है कि अमरीका ने लियाकत अली खां को शहीद कराया और कातिल को अफगानिस्तान से दरामद किया और इसलिए रास्ते से हटा दिया कि जब तक लियाकत अली खां मौजूद थे और वो सियासी पार्टी बरसर इक्तदार है जिसने पाकिस्तान कायम किया, तो तब तक अमरीकी मफादात, अमरीका के साम्राज्य मफादात अपनाए नहीं जाएंगे सियासी क़यादत की तरफ से। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब बिल्कुल बरबला है। खुद रोहिदास खान साहब ने बहुत रिसर्च की है, अयूब खान के करीब तरीन जो ब्यूरोक्रेट थे उनमें अल्ताफ गौहर बहुत नुमाया है जी। उन्होंने अयूब खान पे जो किताब लिखी है उसका उर्दू तर्जमा भी हो गया, तो उसमें एक चैप्टर है मैन ऑन द हॉर्स बैक, ये शख्स जो है ये अयूब खान है। वो फाइनेंस मिनिस्टर को लेके, फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा अमेरिका के असर में हमारे रहे हैं, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर को साथ लेके अमेरिका गया और वहाँ उसने कोशिश की कि हुकूमत को कायल करे कि 56 का इलेक्शन, जो 56 का इलेक्शन उस आइन के मुताबिक जो होने वाला है, 56 के आइन के मुताबिक उसे ना होने दिया जाए, अगर वो हो गया तो ऐसी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें आ जाएंगी इक्तदार में कि जो सर जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगी। यानी आप कहते हैं कि जो गैर मुल्की ताकतें थी उनकी इंटरफेरेंस और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आज
ये नौबत है। अब जो इंटरफेरेंस का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल ठीक है, लेकिन उनका कसूर कब है? और लियाकत अली खान को शहीद कराने वाला अमरीका है, ठीक है, लेकिन अमरीका बाद में एक ऐसा इलेक्शन कराने के हक में था जिसमें हुसैन सईद चोरवर्दी के कामयाब हो के प्राइम मिनिस्टर बनने के इम्कानात थे। इन इम्कानात को रोकने के लिए अयूब खान गए, उन्होंने जब अमरीकी हुकूमत ने नहीं माना तो CIA के साथ मुज़ाकरात किए और CIA की वसादत से अमरीकी हुकूमत पे प्रेशर डाला, और यूं बजाय इसके कि 56 के आइन के मुताबिक इलेक्शन होते और सियासतदान इक्तदार में आते, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आते, एक फौजी डिक्टेटरशिप आ गई। जो फौजी होना काबिल फख्र है हमारे लिए, लेकिन किसी का एजेंट होना चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन हो वो शर्मनाक है। ठीक, तो इस बात को अब साबित करने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि विकी लीक से लेके खुद अल्ताफ गोहर तक सब ने वो बता दिया है अपनी तहरीरों में कि ये अयूब खान था कि जो बायस बना 56 के आइन के तहत इलेक्शन के मुलतवी होने का, और उसकी बजाय फिर इलेक्शन का ख्याल ही मनसूख हो गया और फिर वो बारहा मनसूख ही होता रहा पाकिस्तान की तरह। ये एक मसला है। उसके बाद हमने जो उलट रास्ता इख्तियार किया ना लियाकत अली खान की शहादत के बाद कि आज़ादी की बजाय गुलामी का रास्ता, तो उस रास्ते पे अब तक चलते चले आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इसी मौजू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब और रोहिदाद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब और रोहिदाद खान साहब मेरे मेहमान हैं आज के इस दिन की मुनासबत से हमारे प्रोग्राम में। रोहिदाद साहब, ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें गैर मुल्की मुदाखलत और गैर मुल्की जो इन्फ्लुएंस था उसने किस हद तक नुकसान पहुंचाया? गैर मुल्की इंटरफेरेंस तो है आप, मगर पाकिस्तान के लीडरों ने भी पाकिस्तान की तबाही में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो भी किसी से कम नहीं है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जब अयूब खान ने पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को में छुरा जो है वो घोंप दिया, उसको वैलिडेट किया चीफ जस्टिस मुनीर ने जी। और उसके बाद तमाम बाकी जितने भी थे मिलिट्री डिक्टेटर्स उनके लिए रास्ता खोल दिया जी। तो ये तो जो हमारे अपने लीडर हैं और जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है उनका ये रोल रहा है इसमें, और सबने ये इसमें तो आप फॉरन फोर्सेज और फॉरन उसकी क्या बात कहें जी। बात ये है फॉरन फोर्सेज क्या मतलब है जी, अमेरिका ने इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कभी सपोर्ट नहीं किया है। अमेरिका ने हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट किया है जी, मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट किया है जी। रोजाद साहब, एक और मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे दें वो इस बात का कि कायदे आजम कैसी ब्यूरोक्रेसी चाहते थे और फिर ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है वो कैसे खराब हुआ, ब्यूरोक्रेसी कैसे खराब हो गई और आज जो मुल्क की जो ये हालत है उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है? कायद ने पेशावर में कहा था, कयूम खान भी बैठा हुआ था चीफ मिनिस्टर, कायद ने कहा था इनके गलत, ये आपसे गलत काम करवाएंगे, इनके गलत काम आप बिल्कुल ना करें, इनके गलत ऑर्डर आप बिल्कुल ना माने। कायद ने कहा था मुझे मालूम है दैट यू विल सफर,
I mujhe maloom hai you will suffer, but then Qaid said, I want you to make that sacrifice for Pakistan ji. I want you to make that sacrifice for Pakistan. Inke order, galat order ko kabhi na ma. Baat ye hai, ye bureaucracy se galat kaam karwana chahte hain. Ye bureaucracy se galat kaam karwana chahte hain. Bureaucrat cooperate isli nahi karte hain ki aap inse galat kaam karwate hain. Aur Qaid ne kaha tha, bilkul galat kaam na mano. Bilkul galat kaam mat mano inki baat hai ji. Ye situation hai ji. लेकिन लेकिन रोहिदास साहब ब्यूरोक्रेट करप्ट भी तो हुए, बहुत बड़े अरबपति बन गए ब्यूरोक्रेट, करप्शन भी तो हुई ब्यूरोक्रेसी के। मगर 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 मेरी बात सुनिए, जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ने 1400 सिविल सर्वेंट्स को बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, उनको इन मिड करियर उनको सैक कर दिया। भाई एक जुम्बिश कलम, भाई एक जुम्बिश कलम भेज दिया जी। इसका क्या, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है जी, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? जो कायद ने कहा था, मिनिस्टर्स विल कम, चीफ मिनिस्टर्स विल कम, प्राइम मिनिस्टर्स विल कम, बट यू विल स्टे ऑन। सिविल सर्विस की कमर उन्होंने तोड़ डाली है, सिविल सर्विस की कमर तोड़ डाली है। 1400 को निकाल दिया बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन की। फतेह मोहम्मद मलिक साहब, एजुकेशन सिस्टम, कायद आजम कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे, और फिर ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें गरीब का बच्चा जो है वो सिर्फ क्लर्क और अमीर का बच्चा जो है वो हाकिम बने, इस तरीके का निजाम हमारे मुल्क में राइज हो गया। और फिर ये एजुकेशन सिस्टम है कि पीआईसी के अंदर जो है वो वकील जाके अस्पतालों पे हमले कर रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम है कि रोड पे खड़े होकर एक तालीम याफ्ता शख्स सूट बूट पहना हुआ वो जो है वो किसी को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो ये तो हम कोलैप्स जी तरफ बढ़ रहे हैं, ये क्या है पापा? इसकी वजह ये है कि कायदे आजम का जो तसव्वुर था इंसान का और इंसानी किरदार और अमल का, वो हमारी अब तालीम का कोई हिस्सा जुज नहीं रहा। अच्छा, एक और मुसीबत ये हम पे नाजिल हुई कि जब फौजी हुक्मरान आता है तो वो तमाम तर दयानतदारी के साथ ये समझता है कि हमने अमेरिका से सीखना है, हमने वेस्ट से सीखना है, हमसे, उसे इस बात की मेरा ख्याल है कि लफ्ज इस्तेमाल करने दीजिए तमीज़ नहीं होती, कि वो ये जाने कि तालीम है क्या। अच्छा, अब सदर परवेज मुशर्रफ के ज़माने में हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि हमने अपना तालीमी निज़ाम फॉरेन फंडेड एनजीओज के सुपुर्द कर दिया। नतीजा ये कि आज अगर आप अपनी यूनिवर्सिटियों पे नगाह डालें जो नई बनी हैं उस ज़माने से लेकर, बहुत बनी है, उनमें न अदबियात पढ़ाई जाती है, न दीनियात पढ़ाई जाती है, न हिस्ट्री है, न पॉलिटिकल साइंस है, न फलसफा है। अच्छा, अब ये जो उलूम है ये इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाएं साथ ही उन्हें हुनरमंद भी बनाएं। हमारी तहजीबी रवायत में तालीम अकेले नहीं आती, तालीम और तरबियत, ठीक है, ठीक, हुनर अकेला नहीं आता, इल्म व हुनर। तो हुनर को जो अगर इल्म से आप काट देंगे और तालीम को तरबियत से काट डालेंगे तो फिर ऐसी ही सूरत हाल होगी कि जो कुछ जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। रोहिदास साहब, ये फरमाइएगा कि कयाम पाकिस्तान से लेकर आज तक हम इदारे क्यों नहीं बना सके? यानी हम जब कहते हैं कि इदारे खोखले हैं, इदारे करप्ट हैं, और उसमें चाहे वो कितने ही मोतबर इदारे क्यों ना हो, तो इदारे अपने पैरों पर क्यों ना खड़े हो सके, इंक्लूडिंग पार्लिमानी इदारों के, इंक्लूडिंग अदालतों के, इंक्लूडिंग हमारे तालीमी इदारों के, यानी जो पूरा स्ट्रक्चर है इदारों का, वो क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़ा हो सका? यहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं बुनियादी? एक इदारा सिविल सर्विस है, कायद ने कहा था यू आर द बैकबोन, तो बैकबोन का तो जो हशर किया है वो आपको मालूम है।
तोड़ दिया है बैकबोन को, नंबर वन. नंबर टू, अक्टूबर 1958 में मिलिट्री ने इंटरवीन किया, पावर चला गया पार्लियामेंट से जीएचक्यू की तरफ चला गया. तो पार्लियामेंट जो अवाम की राय का नुमाइंदा है, उसके पास क्या रह गया? पार्लियामेंट तो अब पार्लियामेंट के पास क्या रह गया है जी? पार्लियामेंट पावर लाइज समवेयर एल्स. पावर लाइज इन द जीएचक्यू. पावर डज नॉट लाई इन द पार्लियामेंट. ये बिल्कुल तजिए औकात है, वक्त जाया कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रहे हैं. इनके पास कुछ भी, इनकी ताकत भी नहीं है. और मैं कहता हूं दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट जी, दे डिजर्व इट. इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है इस पार्लियामेंट ने जी? इन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? बात यह है कि अक्टूबर 58 के बाद तमाम इदारे सबॉर्डिनेट हो गए हैं टू जीएचक्यू. तमाम इदारे सबॉर्डिनेट हो गए हैं टू दी आर्मी ऑफ पाकिस्तान. इसका प्लीज कीप दैट इन माइंड, कीप दैट इन माइंड. इदारे खत्म हो गए हैं, इदारों की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है. देखें, मैं कहता हूं आपको, ईस्ट पाकिस्तान चला गया. ईस्ट पाकिस्तान 72 में नहीं गया है, सीसीड नहीं किया है 72 में. ईस्ट पाकिस्तान अक्टूबर 1958 में चला गया. अक्टूबर 1958 में जब मार्शल ला लग गया, तो बंगाली ने महसूस किया कि हमारा तो ख्याल था कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगा और पार्लियामेंट के लिए वन मैन वन वोट होगा और पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, कोई फैसला पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर नहीं होगा. अब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर गया है फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द जीएचक्यू. जीएचक्यू में तो ईस्ट पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारा तो कोई जनरल वर्नल ब्रिगेडियर वगैरह कोई भी नहीं है. ये तो कायद का पाकिस्तान नहीं है, ये तो वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए हम स्ट्रगल किया था. हमने स्ट्रगल किया था, वेस्ट पाकिस्तान तो बाद में आया है, स्ट्रगल तो हमने किया है पाकिस्तान के लिए, मगर ये तो वो पाकिस्तान नहीं है. ये तो अब जीएचक्यू डोमिनेटेड पाकिस्तान है. अक्टूबर 1958 को बंगाली लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन अनडिवाइडेड पाकिस्तान जी. नॉट इन 72, नॉट इन 72. जब उनको मौका मिल गया 72 में, ये सीसीडेड की. जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि 71 में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था पाकिस्तान बचे. ना भुट्टो साहब का इंटरेस्ट था, ना फौज का इंटरेस्ट था, ना शेख मुजीब का इंटरेस्ट था. कोई भी अनडिवाइडेड पाकिस्तान नहीं चाहता था. बिल्कुल, मैं आपको तो बताऊं ना जी, इलेक्शन में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिल गई शेख मुजीबुर रहमान को. उसके बाद उसकी तो आंखों की चमक जो थी उसमें चमक कुछ और जाहिर हो गई थी जी. ही लास्ट इंटरेस्ट इन अनडिवाइडेड पाकिस्तान जी. और भुट्टो साहब ने ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन अनडिवाइडेड पाकिस्तान एंड ही बिकॉज ही रिफ्यूज टू प्ले द रोल ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन जी. भुट्टो साहब ने उसको ये कहा, अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं हूं, आर्मी ऑल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट इन अनडिवाइडेड पाकिस्तान डोमिनेटेड बाई शेख मुजीबुर रहमान एंड ईस्ट पाकिस्तान जी. तीनों मिल गए आपस में ये आर्मी, जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, कंस्पिरेसी अगेंस्ट अनडिवाइडेड पाकिस्तान जी. कंस्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट अनडिवाइडेड पाकिस्तान जी. पाकिस्तान ने टूटना था, पाकिस्तान ने टूटना था जी, पाकिस्तान ने टूटना था जी. पाकिस्तान टूट गया जी.
as a result of that conspiracy, as a result of that conspiracy. I maintain that. I have said it in every forum. ठीक रोहिदास साहब जी, मैं यहाँ एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आएंगे तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों से ये भी जरूर पूछूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हैं या उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर आती है, और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम आज भी अपना लें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है। एक वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब, रोहिदास खान साहब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फतेह मोहम्मद मलिक साहब, दो बातें, पहली बात मैं पूछ लेता हूँ फिर प्रोग्राम कंक्लूड की तरफ जाएंगे, वो ये कि कायदे आजम को आपने पढ़ा, देखा भी आपने, कायदे आजम कैसा पाकिस्तान चाहते थे? तहरीक आजादी के दौरान जब कायदे आजम तहरीक पाकिस्तान की क्यादत फरमा रहे थे तो वो चुप थे, वो सारी तकरीरें, वो सारे सियासी मंशूर जो पीछे न जाए अगर तो 40 से 47 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने शाया किए, उनमें सब मौजूद है कि पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान का इक्तिसादी निज़ाम कैसा होगा, माशरती निज़ाम कैसा होगा, तालीम व तहजीब की दुनिया का रंग क्या होगा, ये सब उन मैनिफेस्टोज में मौजूद है, उन तहरीरों में मौजूद है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि बजाय तहरीक पाकिस्तान के उन वादों को जो उन पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज में या किताबों में जो ज़माने में लिखी गई उनमें मौजूद हैं, उन्हें एक तरफ रखते हैं और कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या था, उन लोगों से पूछते हैं कि जो और जिनके आबाओ अजदाद तहरीक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, तो फिर उलझन तो होगी। आसान तरीन बात यह है कि कायदीन पाकिस्तान के जो तहरीक के कायदीन थे उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लें और सब पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में मईशत का निज़ाम क्या होगा, सियासत का निज़ाम क्या होगा, तालीम व तहजीब किस रुख पे तरक्की करेगी। अच्छा, अब ये कोई ऐसा नहीं है कि ख्याल नहीं आ रहा हमारे कायदीन को, वो जानते हैं कि उसमें जो नक्शा दिया गया है पाकिस्तान का वो उनके ग्रोही और जाती मफादात के खिलाफ। बस नहीं की बात रह रहे कि कायदे आजम ने तो कहा था कि पाकिस्तान में जागीरदारों को, सरमायादारों को गरीबों का खून चूसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान कायम हुआ, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गई। उसकी पहली काउंसिल मीटिंग में कायदे आजम ने लैंड रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई। तब से लेके आज तक हमारे हुक्मरान, और उसमें अफसर शाही भी शामिल है क्योंकि उन्हें भी ज़मीनें मिलती हैं फजूल, तो वो तो देख नहीं रहे कि जो कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशंस की क्या थी, वो उसे गद में अट दिया है उसके सारी जो। और अभी इस पाकिस्तान की बात हो रही थी तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे, बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत देखा है अंदर से भी बाहर से भी पाकिस्तान की सियासत को, मईशत को, सब चीज़ों को। और अभी बात हो रही थी कि इस पाकिस्तान अब से अलग हो गया, अलग वो नहीं हुआ, हमने किया, क्यों किया, बहुत सी वजूहात है। एक वजह ये भी है कि सूबह मशरकी पाकिस्तान ने ज़रिए इस्लाहात पे अमल कर दिया था,
और हमने नहीं किया। रोहिदास साहब आखिर में मुझे ये फरमा दीजिएगा, प्रोग्राम कंक्लूड करना है, मैं दोनों शख्सियात से यही सवाल पूछूंगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से अब जो है वो आपको मायूसी है या ये पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान कैसे बन सकता है, कैसे पाकिस्तान ठीक हो सकता है? दो बड़े रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुए हैं जिनकी वजह से मेरा पाकिस्तान के मुस्तकबिल में मेरा ईमान ताजा हो गया है जी। एक तो जिस दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक मिलिट्री डिक्टेटर को कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगा जी, ही सेड नो टू हिम जी, उसके साथ वो आईएसआई का डायरेक्टर जनरल भी था, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी थे इन यूनिफॉर्म, ये अकेला बैठा हुआ था, इसने कहा मैं नहीं करूंगा रिजाइन। उस दिन एक इनकलाब आ गया जी, और उसके बाद आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर और जिना एवेन्यू के ऊपर लाखों लोग जो थे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार की हिमायत में बाहर निकल आए जी, मैं भी उसमें शामिल था जी, वकला के साथ में शामिल था जी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जी, हमारी सुपीरियर जुडिशरी जो उस दिन तक सबसर्वियंट थी जी, सबसर्वियंट टू द आर्मी जी, सबसर्वियंट टू द आर्मी, उससे एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा हुजूर आपने ये इख्तियार नहीं मांगा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, मगर आपके कहने के बगैर मैं आपको ये इख्तियार देना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से आप अमेंड करना चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं ये इख्तियार मैं आपको देता हूं। ये एक चीफ जस्टिस साहब ने अपने अपने ऑर्डर में लिखा है। वो जमाना गुजर गया है, अब वो जमाना गुजर गया है जी, एक जुडिशियल रिवोल्यूशन आ गया है पाकिस्तान में जी, एक जुडिशियल रिवोल्यूशन आ गया है, दैट इज नंबर वन जी, दैट इज नंबर वन। और नंबर दो जो बात हुई है जी, नंबर दो जो हुई है, द इमर्जेंस ऑफ इमरान खान ऑन द सीन जी, जिसने क्रूसेड शुरू किया है अगेंस्ट पीपल हु आर एट द समिट ऑफ पावर, जिन्होंने इस मुल्क गरीब मुल्क को लूटा है जी, ये दो चीजें जो आ गई है, ये जिना के पाकिस्तान को ये बचाएंगे। इमेजिन करें लियाकत अली खान के बाद एक पहले एक आदमी निकला है जिसके हाथ साफ है, हिज इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है जी, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है जी पाकिस्तान को बचाने के लिए, एक आदमी को उसको 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 सामने सामने ले आए हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ ऑल पेट्रियाटिक एलिमेंट, ऑल पेट्रियाटिक एलिमेंट जो इसको सपोर्ट करें, इसकी टांगे न खींचे, इसकी टांगे न खींचे, इसमें नुक्ते न निकालें, इसका ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है, इसके हाथ साफ है, इसके कॉन्शियस जमीर इसका ठीक है, ये इसका सिर्फ एक एजेंडा है और वो एजेंडा पाकिस्तान है जी, जिना का पाकिस्तान है, उसको जिना के पाकिस्तान को रिन्यू करना है, ताजा करना है, इसकी टांगे न खींचे, इसको नुकसान न पहुंचाए, इसके बड़े बहुत बड़े मसाइल हैं उसके सामने, बहुत बड़े मसाइल हैं। प्रोफेसर फतेह मोमिन मलिक साहब आखिरी आपकी बात, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से कोई मायूसी है या नहीं? आप बिल्कुल मायूसी नहीं है क्योंकि सब कुछ आजमा लिया गया, अब वक्त आ गया है कि हम तहरीक पाकिस्तान के ख्वाबो ख्याल को समझें और उन्हें पाकिस्तान में हकीकत बनाएं। तहरीक पाकिस्तान के ख्वाबो ख्याल क्या थे वो जानना है, फिर उन ख्वाबो ख्याल को हकीकत में ढालना है, और मैं समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल ये काम करेगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, फतेह मोहम्मद मलिक साहब, रोहिदास खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके बाद कोई अल्फाज नहीं है कि मजीद उस पर बात की जा सके। कल के प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इसी वक्त अल्लाह हाफिज़।